दोस्तों आप सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर तो होता ही है, जहां से आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्ले स्टोर के अंदर कुछ सेटिंग्स करके आप अपने मोबाइल से हैंगिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मोबाइल हैंग करता है, स्लो चलता है, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन देर से ओपन होता है, गेम खेलते हैं तो लैगिंग प्रॉब्लम आती है, रुक रुक कर गेम चलता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मोबाइल हैंग करना, स्लो चलना, इसके अलावा आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर आप चार सेटिंग्स करके इन सभी तरह के प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए अपने मोबाइल से दूर कर सकते हैं। तो ये चारों सेटिंग्स कौन कौन से हैं जो आपको इस प्ले स्टोर के अंदर करना है, जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो अब चलिए दोस्तों एक एक करके वो चारों सेटिंग्स देखते हैं जो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर करना है। और दोस्तों इस पहली सेटिंग को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त सेटिंग है, और यकीन मानो ये सेटिंग देखने के बाद से आप बोलोगे ओ माय गॉड ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कुछ टाइम यूज करने के बाद से जब उसका काम खत्म हो जाता है तो आप उसे अपने मोबाइल से डिलीट कर देते हो, और आपको लगता है कि वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल से पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपके मोबाइल के अंदर रह जाता है, उसका फाइल रह जाता है, उसका सोर्स फाइल रह जाता है, पूरी तरीके से वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल से डिलीट नहीं होता है, और वो आपके मोबाइल के रैम को यूज करता है, बैटरी को यूज करता है, जंक फाइल क्रिएट करता है, जिससे आपके मोबाइल के रैम पे लोड बढ़ता है और जिसके वजह से आपका मोबाइल हैंग करता है, स्लो चलता है। अब तक दोस्तों आपने अपने मोबाइल में 100, 200, 300 से भी ज्यादा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर उसको काम करने के बाद से आपने डिलीट कर दिया होगा। तो आपको दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर एक ऐसी सेटिंग कर लेनी है जिससे आपने अब तक अपने मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके डिलीट कर दिया है वो सारा एप्लीकेशन, उन सभी एप्लीकेशंस का फाइल पूरी तरीके से आपके मोबाइल से डिलीट हो जाए। और वो सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ प्ले स्टोर के अंदर करनी है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, ऊपर कोने में प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, और यहाँ ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज एप्स एंड डिवाइस, आपको इस पे क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऊपर दो ऑप्शन है ओवरव्यू मैनेज, आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों वो सारे एप्लीकेशन आपको दिखेंगे जो आपके मोबाइल के अंदर अभी इंस्टॉल्ड होंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिखेगा इंस्टॉल का, इस पे जब आप क्लिक करेंगे, एक्चुअली ये ड्रॉप डाउन मेनू है, इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए दो ऑप्शन दिखेगा इंस्टॉल्ड और नॉट इंस्टॉल्ड, आपको यहाँ पे नॉट इंस्टॉल्ड पे क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब आपको वो सारे एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगे जो एप्लीकेशंस आपने पहले कभी अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया था, यूज करने के बाद से उन सभी एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था। लेकिन आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हैं, वो सारा एप्लीकेशन अभी भी मोबाइल के अंदर है, और ये सारा एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर जंक फाइल्स को क्रिएट कर रहे हैं, आपके मोबाइल के बैटरी को यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल के रैम पे लोड बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है। ये सारे एप्लीकेशन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन वो है जो यूज करके डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहां पे देख सकते हैं वो सारे एप्लीकेशन आपको यहां पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सारे एप्लीकेशन पहले मोबाइल से डिलीट किए जा चुके हैं। तो अब आपको दोस्तों यहां पे क्या करना है, इस तरह से एक एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आपको यहां पे दिखेगा, देखिए 27 MB, अभी 55 MB हो गया, 84 102 MB, 113 MB, ऐसे ही करके दोस्तों आपको यहाँ पे सभी एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में तो यहाँ पे मुझे लगता है 100-150 होगा, 100 के करीब होगा, आपके केस में यहाँ पे 200-300-400 एप्लीकेशन भी हो सकता है, जितना भी एप्लीकेशन आपने पहले इंस्टॉल करके डिलीट किया होगा अपने मोबाइल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 600-700 MB के करीब हो गया यहाँ पे, इसी तरह से ये 2 GB 4 GB तक भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है, और यहाँ ऊपर देखिए रिसाइकल बिन का एक लोगो दिखेगा, इस पे क्लिक करके रिमूव पे क्लिक कर देना है, वो सारा एप्लीकेशन मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। मैं इसको बाद में डिलीट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा लिस्ट है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों आपको यहां से इन सभी एप्लीकेशंस को डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में जितने भी जंक एप्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और ये सारे एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के अंदर जंक फाइल्स को भी क्रिएट कर रहे हैं, बैटरी को भी यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल के रैम पे भी लोड बढ़ा रहे हैं। तो यहां से आप अगर इन सभी एप्लीकेशंस को डिलीट कर देंगे तो आपका मोबाइल काफी हद तक फ्री हो जाएगा और आपके मोबाइल से हैंगिंग और लैगिंग प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पहली सेटिंग है। इसके अलावा अभी आपको प्ले स्टोर के अंदर तीन और सेटिंग्स करने हैं। अगर ये चारों सेटिंग्स आप अपने प्ले स्टोर के अंदर कर लेते हैं उसके बाद से फ्यूचर में कभी भी आपका मोबाइल ना ही स्लो चलेगा और ना ही हैंग करेगा। तो दूसरी सेटिंग्स को भी करने के लिए आपको यहाँ ऊपर कोने में प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, इस पेज पे दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क प्रेफरेंसेस इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, आस्क मी एवरी टाइम। यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट वाला ऑप्शन आस्क मी एवरी टाइम को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्ट होता है तो इससे क्या होता है दोस्तों आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहेगा, वो आपके मोबाइल की बैटरी को भी कंज्यूम करेगा, इंटरनेट डेटा को भी कंज्यूम करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो जंक फाइल्स को भी क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आपका मोबाइल ऑब्वियसली बात है हैंग भी करेगा और स्लो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये करने से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि इस एप्लीकेशन को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, वाईफाई पे इंस्टॉल करना है या फिर आपको अपने मोबाइल डेटा से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको लास्ट वाले सेटिंग को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। ये हुआ दोस्तों दो सेटिंग। अब चलिए बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। और इस तीसरी सेटिंग को करने से दोस्तों आपको क्या फायदा होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी भी कम खर्च होगी, आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा भी कम खर्च होगा और आपका मोबाइल जो हैंग कर रहा था उससे भी बच जाएंगे। और ये सेटिंग दोस्तों आपको इसी पेज पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है अपडेट ऑल एप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डेटा, आपके प्ले स्टोर के अंदर यही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। दूसरा है अपडेट विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोबाइल डेटा, तीसरा है अपडेट ओवर वाईफाई ओनली और चौथा है डोंट ऑटो अपडेट एप्स। आपको यहाँ से पहले से चेंज करके लास्ट वाले को सिलेक्ट कर देना है। अगर यहाँ पे पहला सिलेक्ट होता है इससे क्या होता है दोस्तों कि मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, किसी एप्लीकेशन का साइज होता है 50 MB, किसी का 70 MB, किसी का 80 MB, अगर आप गेम खेलते हैं तो वो तो 200-300 MB तक का भी होता है। ऐसे में अगर किसी भी एप्लीकेशन का अपडेट आता है तो वो ऑटोमेटिक प्ले स्टोर के अंदर अपडेट हो जाता है, बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहता है, आपका इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, वो जंक फाइल्स क्रिएट करता है जिसके वजह से आपके मोबाइल की बैटरी भी खत्म होती है, इंटरनेट डेटा भी खत्म होता है और जंक फाइल्स क्रिएट होता है जिसके वजह से रैम पे लोड बढ़ता है और आपका मोबाइल हैंग भी करता है। यहाँ पे आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब भी कोई अपडेट आएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप चाहें तो उसको अपडेट कर सकते हैं या फिर कहीं पे फ्री वाईफाई मिलता है तो आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके वाईफाई पे अपने सभी एप्लीकेशंस को एक बार अपडेट कर लेना है। और अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी यानी कि चौथे सेटिंग की। और ये चौथा सेटिंग भी आपको इसी पेज पे मिल जाएगा जिसका नाम है ऑटो प्ले वीडियोस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपके प्ले स्टोर में भी बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन सिलेक्ट होगा ऑटो प्ले वीडियोस एट एनी टाइम और नीचे छोटे छोटे वर्ड में लिखा है डेटा चार्जेस मे अप्लाई। दूसरा ऑप्शन है ऑटो प्ले वीडियोस ओवर वाईफाई ओनली और तीसरा है डोंट ऑटो प्ले वीडियोस। आपको यहाँ पे तीसरे ऑप्शन डोंट ऑटो प्ले वीडियोस को सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ये सेटिंग करने से दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एड देखने को मिलते हैं और वो एड इमेज भी होते हैं और वीडियोज भी होते हैं। तो आप क्या करते हो कि प्ले स्टोर ओपन किया, मान लो ऐसे मिनिमाइज कर दिया, आपने पूरी तरीके से प्ले स्टोर को बंद नहीं किया तो वो सारे ऐड जो कि वीडियोस हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। अगर वो चलते रहते हैं तो वो आपके मोबाइल के डेटा को भी यूज करते हैं, बैटरी को भी यूज करते हैं, वो जंक फाइल को भी क्रिएट करते हैं जिससे रैम पे लोड भी बढ़ता है और जिसके वजह से आपका मोबाइल हैंग भी करता है। तो यहाँ पे आपको आकर के उस लास्ट वाले सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है। ये चार सेटिंग्स दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर कर लेना है। अगर ये चारों सेटिंग्स आप अपने प्ले स्टोर के अंदर कर लेते हैं उसके बाद से फ्यूचर में कभी भी आपका मोबाइल ना ही हैंग करेगा, ना ही स्लो चलेगा, ना ही जल्दी आपके मोबाइल की बैटरी खत्म होगी और ना ही जल्दी इंटरनेट डेटा खत्म होगा।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।